नगमा, आखिरकार तुमने अपने भाई की सारी बेटियों को ठिकाने लगा ही दिया। बस अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। अब सिर्फ कोमल रह गई है, लेकिन वो भी बहुत छोटी है, हमें उसकी जल्दी नहीं है। अच्छा, ये अनम को क्या हुआ है? नगमा इतनी बुझी बुझी लग रही है, इसकी शादी को तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। इसके ससुराल में कोई मसला? नफरत की आग में इतने अंधे मत हो कि बाद में नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहो किसी से। Come on, please, mom. अगर तुम तो किसी लड़की के साथ आए हो ना। यहाँ अनम काफ़ी याद कर रही होती है असद को लेके, और वो काफ़ी टेंशन में भी होती हैगी, लेकिन अचानक से इनकी तबीयत ख़राब होती है और फिर इनको काफ़ी ज़ोर की उल्टी होती है और फिर फौरन ये भागती है वॉशरूम की तरफ। तो फिर इनको अंदाज़ा होता है कि वो अब उम्मीद से है, वो बच्चे की माँ बनने वाली हैं, और ये बात फिर असद को भी मालूम नहीं है। वो काफ़ी टेंस में आ जाती हैं और इस बात का असद को पता भी नहीं है, और वो शादी करने के लिए तैयार हैं अपने बॉस से, क्या वो शादी कर पाएंगे। यहाँ फाइक अपने वादे पे कायम है और वो अनम को बोलते हैं कि तुम चले जाओ, मैं नहीं आऊँगा। और ये अनम इनको बोलती है अगर आप नहीं आए तो काफ़ी मसला होगा। फिर वो हॉल के अंदर आ जाती हैं और फिर यहाँ पर रईस साहब काफ़ी उदास हो जाते हैं अनम को देख के, और वो फिर बोलते हैं कि फाइक नहीं आया। वो फिर सर झुका लेती हैं और यहाँ पर अनम तैयार होकर बैठ चुकी होती हैं। इनकी आज इंगेजमेंट का दिन होता है, लेकिन यहाँ अनम काफ़ी लेट पहुँचती हैं तो इस पर ये बहस करती हैं कि तुम इतनी लेट क्यों आई, आज मेरा काफ़ी बड़ा दिन है। तो बोलती है तुम्हें किसी ने कुछ बोला है तो बोलो, मैं उसको बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर अनम आती है, उनको समझाती हैं कि आज काफ़ी अच्छा दिन है, तुम ये मामला छोड़ दो। और यहाँ पे फिर फिज़ा भी इनको बोलती है हाँ आज अच्छा दिन है, तुम अपना मेकअप ख़राब नहीं करो। उसके बाद फिर माहौल चेंज होता है, फिर सारी पांचों के पांचों बहनें एक दूसरे से गले मिलना शुरू हो जाती है और फिर सेल्फी लेती है और फिर पूरा माहौल जो है चेंज होता है। फिर उसके बाद यहाँ फिर लाइक साहब आते हैं और वो फिर हानिया को समझा रहे होते हैं कि तुम अपनी सास से ज़्यादा बहस नहीं करना, और ये इनको मजाक में बोलती है हाँ मैं उनकी आरती उतारूँगी, और फिर वो रो देती हैं काफ़ी। क्या फाइक अपना फैसला तब्दील कर देगा, क्योंकि उनको वापसी लेना होता है अनम को, तो क्या वो वापसी आएंगे इंगेजमेंट के अंदर? और यहाँ पे फाइक को जब पता चलेगा कि वो बच्चे का बाप बनने वाले हैं तो क्या वो इरादा चेंज कर देंगे अपनी बॉस से शादी करने का? ऐसी और भी अपडेट आपको मिलती रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।